अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। मैं अब्दुल सत्तार, भारतीय जनता पार्टी, गुलबर्गा नॉर्थ और गुलबर्गा सिटी से, जो मेरा पोस्ट था ट्रेजरर यानी खाजिन का, और गुलबर्गा साउथ माइनॉरिटी प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी से, मैं आज रिज़ाइन कर रहा हूं और उसको जो है मैं आज भारतीय जनता पार्टी छोड़ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के जो वजूहात है वो इंशाल्लाह अनकरीब मैं लोगों के सामने उसका जवाब दे हूँ, और आइंदा आने वाले दिनों में उसका जवाब इंशाल्लाह ज़रूर दूंगा। फ़िलहाल मैं इसलिए आप लोगों के बीच में आया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में मेरा जो भी पोजीशन था, या मैं उसका जो मेंबर, फर्स्ट मेंबर से लेकर और ओहदे तक, आज मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ और अनकरीब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का मैंने इरादा किया है। बहुत जल्द मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करूंगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आप इतने साल बीजेपी में जुड़े रहे, अचानक जरनदेरी की क्या वजह है? बीजेपी छोड़ने की जो रीज़न है, सबसे पहली जो रीज़न ये है कि जब से मैं बीजेपी पार्टी में आया हूँ, चाहे वो नॉर्थ गुलबर्गा नॉर्थ होंदे, साउथ होंदे और गुलबर्गा सिटी के अंदर रहें, मैं पिछले 5 साल से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा हूँ और आज के डेट तक भी काम करते आया हुआ हूँ। लेकिन गुलबर्गा नॉर्थ में आज जो पिछले 45 साल से 40 साल से हमारी जो मुस्लिम जो सीट थी, उसको आज ख़तरा लाहक हुआ है। और हमारे अंदर आज जो गुलबर्गा नॉर्थ के अंदर जो आकर जो हमारे मुसलमानों को तोड़ने की और मुसलमानों को पीछा दिखाने की जो कोशिश हो रही है, उसको ख़त्म करने के लिए मैं आज रिज़ाइन दिया हूं, और अनकरीब जो है मैं इसका जवाब भी दूंगा क्यों रिज़ाइन कर रहा हूं और क्यों कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं। बार बार बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ कानून लाए तो रिजर्वेशन को खत्म करें, इस तरह के आइडियोलॉजी आ रही है, उसको देखते नहीं? ये जो सब बातें हैं, फ़िलहाल जो है मैं इस पर डालना चाह रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं अभी किसी पार्टी को ज्वाइन करा नहीं हूँ। जिस वक्त मैं ज्वाइन करूँगा, क्या क्या भारतीय जनता पार्टी में मुसलमानों के ख़िलाफ़ बातें हो रही है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें हो रही है, उसके बाद उसके ऊपर भी मैं रोशनी डालूँगा जब मैं किसी पार्टी में ज्वाइन हो जाऊँगा। मेरा तो इरादा कांग्रेस में ज्वाइन होना है और इंशाल्लाह जल्द से जल्द ज्वाइन होने की कोशिश करूँगा।